आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शोबिज इंडस्ट्री में काम करने वाले ऐसे अदाकारों के बारे में शेयर करेंगे जिनके दादा नाना नानी और दादी शोबिज इंडस्ट्री में अपनी शानदार सलाहियतों के जौहर दिखा चुके हैं। तो मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर वन, हसन अहमद। हसन अहमद एक यंग और मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल है। अदाकार हसन अहमद अपनी शानदार एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इनकी बीवी का नाम सुनीता मार्शल है, जो कि एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा है। ये दोनों मियां बीवी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए शोबिज इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मकबूल है। अदाकार हसन अहमद के बारे में कोई भी नहीं जानता होगा कि वह शोबिज इंडस्ट्री के कॉमेडियन लतीफ कबाड़िया के नवासे हैं। अदाकार लतीफ कबाड़िया इनके नाना थे, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार अदाकारी से बेहद मकबूलियत हासिल की थी। नंबर टू, जुहाब खान। जुहाब खान एक यंग मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल है। अदाकार जुहाब खान ने अपने टीवी करियर का आगाज कमर्शियल से किया। अदाकार जुहाब खान के बारे में भी आपको यह जानकर हैरानी होगी। पाकिस्तान के सीनियर टैलेंटेड अदाकार मोइन अख्तर इनके नाना थे। अदाकार मोइन अख्तर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के बेहद मकबूल अदाकार थे और ये बहुत बड़े होस्ट भी हुआ करते थे। नंबर थ्री, रजा तालिश। रजा तालिश एक यंग और मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं। अदाकार रजा तालिश को इनकी शानदार एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और ये स्पोर्टिंग किरदारों में परफॉर्म करते हुए नजर आती हैं। अदाकार रजा तालिश जो के कामयाब अदाकार एहसन तालिश के बेटे हैं। इनके बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके दादा आगा तालिश भी शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा थे। इनके दादा आगा तालिश पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के बेहद मकबूल अदाकार और टीवी प्रोड्यूसर थे, जो 1990 की दहाई में काफी ज्यादा मकबूल थे। नंबर फोर, हानिश कुरैशी। हानिश कुरैशी एक यंग और मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकारा हैं। अदाकार हानिश कुरैशी के बारे में सभी जानते हैं कि ये अदाकार फैसल कुरैशी की बड़ी बेटी हैं। अदाकारा हानिश कुरैशी शोबिज इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा अफशा कुरैशी की पोती हैं, जो कि अपनी दादी की तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। इन दादी पोती में भी काफी ज्यादा प्यार है। ये अक्सर एक साथ तस्वीर शेयर करती रहती हैं। नंबर फाइव, अली अब्बास। अली अब्बास एक यंग मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं। अदाकार अली अब्बास को इनकी शानदार एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और ये अक्सर बेशतर हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आते रहते हैं। कामयाब अदाकार अली अब्बास अदाकार वसीम अब्बास के बेटे हैं। इनके बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी ये इनके दादा अनायत हुसैन भट्टी का ताल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से ही था। इनके दादा अनायत हुसैन भट्टी पाकिस्तानी टीवी और फिल्म अदाकार, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और सोशल वर्कर थे, जो कि अपनी शानदार सलाहियतों के लिए शोबिज इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मकबूल थे। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट एक पाकिस्तानी टीवी और फिल्म अदाकार, कॉमेडियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर, वॉइस एक्टर और टीवी होस्ट है। ये अपनी होस्टिंग के अंदाज के लिए भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इसके अलावा ये अपनी कॉमेडी किरदारों के लिए भी बेहद मकबूल हैं। अदाकार अहमद अली भट्ट के बारे में आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि ये मलका तरन्नम नूरजहां के नवासे हैं। मलका तरन्नम नूरजहां जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो कि अपनी खूबसूरत और शानदार आवाज से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करवा चुकी थी। नंबर सेवन, बहिश्ते शान शाहिद। बहिश्ते शान शाहिद जो कि कामयाब और मल्टी टैलेंटेड अदाकार शान शाहिद की बेटी हैं। अदाकार शान शाहिद की बेटी भी शोबिज इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया है और ये जल्द टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएंगी। बहिश्ते शान शाहिद फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब अदाकारा नीलू की पोती हैं और इनके दादा रियाज शाहिद का ताल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से ही था। शोबिज इंडस्ट्री में परफॉर्म करने वाले इन अदाकारों में से आपका फेवरेट कौन है, कमेंट्स में जरूर लिखें। और किस अदाकार के दादा और नाना के बारे में जानकर आपका हैरानी हुई, कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।